आइए सबसे पहले हम इमाम ज़माना की विलादत के हवाले से सबसे अहम शख्सियत यानी उनके खुद वालिद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के हवाले से देखिए, ग्यारहवें इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के हवाले से गुफ्तगू करना इमाम की विलादत के हवाले से इसलिए भी ज़रूरी है कि आप इमाम ज़माना की विलादत के चश्मदीद गवाह हैं, आप उनके वालिद हैं और आप उस ज़माने में मौजूद थे कि जिस ज़माने में इमाम ज़माना के हवाले से उनकी विलादत के हवाले से लोगों में बहुत ज़्यादा बेचैनी इस्तराब और तमन्ना पाई जाती थी। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के ज़माने को ज़रा समझने की कोशिश कीजिए, ख़ुसूसी तौर पर उनके आखिरी अय्याम को अपने जहन में लाइए। आपको मालूम है कि ये खुशखबरी बहुत ज़्यादा अहदीस में मौजूद है कि बारहवां इमाम इस ज़मीन को अदल इंसाफ़ से इस तरह भर देगा जैसे कि वो जुल्म जोर से भरी हुई थी। और फिर यह हदीस भी मौजूद है ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़बानी कि मेरी नस्ल का नवा इमाम इस ज़माने को इस दुनिया को अदल से इस तरह भर देगा जैसे वो जुल्म से भरी हुई थी। तो अमूमी तौर पर आइमा में बारहवां और नस्ल हुसैन में ग्यारहवां इमाम इस ज़मीन को अदल से भर देगा, पूरी ज़मीन पर हुकूमत करेगा। तो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक बनू उमैया बनू अब्बास यानी बनू उमैया का दौर तो गुजर चुका था, बनू अब्बास यानी हुक्मरान तबका बहुत ज़्यादा मुतमईन तो फिर भी नहीं था बहुत ज़्यादा, यानी इमाम की निगरानी हुआ करती थी, इमाम पर जुल्म सदम हुआ करता था, उनके चाहने वालों पर तशद्दुद हुआ करता था, इमाम को कैद खाने में रखा जाता था, इमाम को या तो शमशीर से शहीद किया गया या जहर दे के, हर इमाम के साथ यही मामला हुआ। लेकिन जब ग्यारहवें इमाम की बारी आई तो लोगों ने ये हदीस का तस्करा करना शुरू किया, इस हदीस का बार बार इयादा होता, लोग बार बार इस हदीस को अपनी ज़बान पर लाते कि अरे बारहवें का वक्त तो करीब आ गया क्योंकि ग्यारहवां हमारे सामने मौजूद है, या नवे इमाम का औलाद हुसैन में वक्त करीब आ गया क्योंकि आठवां इमाम इमाम हसन अस्करी हमारे सामने मौजूद है। चुनाचा पूरी दुनिया के कैमरे, उस हुकूमत के कैमरे, लोगों की निगाहें सब की सब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शख्सियत और उनके घर वालों और उनके घर पे मरकूज़ हो गई। उनकी मुखबरी, उनकी निगरानी और उनकी जिसे कहते हैं कि जासूसी बहुत ज़्यादा सख्त से सख्त हो गई। इससे पहले भी आइम्मा की निगरानी और जासूसी हुआ करती थी लेकिन इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की जासूसी निगरानी बहुत ज़्यादा शदीद हो गई। और इमाम को कैद करने, इमाम को कत्ल करने, इमाम को इमाम की ज़िंदगी को तंग करने के लिए हुक्मरान दाबू ने जो है वो साजिशें करना शुरू की और उनके बारे में सोचना शुरू किया। फिर एक ऐसा वाकया पेश आया कि जब लोगों ने देखा कि ये तो बारहवें का भी इंतज़ार नहीं करेंगे, लगता है कि ये खुद ही हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत कर देंगे और फिर अपने बेटे को हुकूमत सौंप देंगे। वो क्या वाकया था उस ज़माने में, देखिए हमें हदीस मिलती है और हमारे हालात से हमारे आइम्मा बाखबर रहे हैं, हमारे हालात से इस ज़माने का इमाम बाखबर है। हदीसों में भी मिलता है कि हमारे इमामों की मिसल ऐसी है जैसे सितारे, एक सितारा गुरूब होता है तो दूसरा सितारा तुलू हो जाता है और ये चलता रहेगा जब तक बारहवें का नंबर नहीं आ जाएगा। और बाज़ात तो ऐसा होगा कि लोगों को फिक्र ही नहीं होगी कौन सा सितारा आया कौन सा सितारा गया, और लेकिन जब बारहवां आएगा तो तुम उस बारहवें की जो है इज़्ज़त अफजाई करना और उसको खुश आमदेद करना और उसकी मदद और नुसरत करना। तो ये देखिए ये ऐसा हुआ है बनू उमैया बनू अब्बास के दौर में कि लोगों को आइम्मा की फ़िक्र ही नहीं रही है, लोगों को बस अपने पेट की, लोगों को बस अपने घराने की, अपने ख़ानदान की या अपनी ज़िंदगी की जो है वो ज़्यादा फिक्र रही है। और शायद अभी भी वो ज़माना है लोगों की कसीर तादाद जो है इमाम के इंतज़ार से गाफिल है, इमाम की मदद से बिल्कुल गाफिल है। तो अब जो है इमाम की तरफ जो है लोगों की निगाहें रहने लगी। लेकिन जैसे कि मालूम है आपने देखा होगा कि हमारे आठवीं इमाम के बाद यानी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के बाद जो इमाम गुजरे हैं, इमाम तकी अलैहिस्सलाम, इमाम नकी अलैहिस्सलाम, इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम, इन तीनों की ज़िंदगी अमूमन बहुत ज़्यादा पोशीदा और खुफिया रही है, लो प्रोफाइल रही है। और यूँ समझ लीजिए कि इन तीनों ने आने वाले बारहवें इमाम के लिए गैबत का रास्ता हमवार किया है। आप देखिए कि हमारे यहाँ जो तस्करा मिलता है पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें इमाम तक बहुत मिलता है,
फिर आठवें इमाम क्योंकि शोहरत पा गए थे, वली अहद बने थे, उसके बाद जो नवा दसवें और ग्यारहवा नंबर जो आता है उस दौर के जो तीन इमाम हैं बहुत ज़्यादा लो प्रोफाइल जो है वो पर्सनालिटी वाली उन्होंने जो ज़िंदगी गुजारी है कि लोगों को तैयार किया जाए लोगों के अजहान को बारहवें इमाम की गैबत के लिए। अब जाहिर सी बात है कि लोग वैसे भी गाफिल थे और इमाम वैसे भी पोशीदा थे, तो लोगों की तवज्जो अपने दीन से हट गई, लोग अपने दीन से बेगाना हो गए। और आजकल भी आपने देखा होगा कि जहाँ भी लोगों को कोई मोजज़ा, कोई शोहरत या कोई मीडिया हाइप नज़र आती है किसी शख्सियत के हवाले से, तो उस शख्सियत की तरफ जो है वो निकल खड़े होते हैं। तो उस ज़माने में हमें मिलता है कि लोग ईसाइयत की तरफ माइल हो रहे थे। क्यों माइल हो रहे थे? कि उस ज़माने में ईसाई राहिब हुआ करते थे, वो लोगों को मोजज़ात देखकर अपनी तरफ, एक तो बनू उमैया बनू अब्बास के ज़ुल्म से समझे लोग तंग आ गए थे, फिर तो ये है कि इमाम तलवार नहीं निकाल रहे थे और मुसलसल गुमनामी पोशीदा ज़िंदगी गुजार रहे थे, लोग इससे भी थोड़े से एहसास महरूमी का शिकार हो गए थे कि हमारी कोई नहीं सुन रहा, जो इमाम के पीछे चलने वाले हैं वो भी थोड़े से बददिल होकर पीछे हट गए थे। फिर आम लोग जो है, जिस तरह हम कहते हैं कि जब जहाँ की हवा चलती है लोग उस तरफ हो जाते हैं, तो उस ज़माने में ईसाई पादरियों का बड़ा ज़ोर होने लगा, उनके मौजज़े रूनमा होने लगे और लोग जो है उनकी तरफ माइल होने लगे। तो और ये कोई अचंभे की बात नहीं, आजकल के दौर में भी ऐसा हो रहा है। अभी मैं यही सोच रहा था कि ये कैसे मुमकिन है कि एक आम आदमी या मोमिन अपने इमाम को या दीन इस्लाम को छोड़कर दूसरे दीन की तरफ चला जाए, ये कैसे मुमकिन है। तो कल ही मुझे एक क्लिप महसूस हुई कि जिसमें सद्दाम हुसैन के बारे में बताया गया कि सद्दाम हुसैन को 12 साल बाद उसकी कब्र से निकाल कर दूसरी कब्र में दफनाया गया, तो उसका चेहरा उतना ही तरोताज़ा। देखें ये कितना बड़ा मोजज़ा है। अब देखिए इतना बड़ा ब्लंडर, इतना बड़ा जिसे कहते हैं कि झूठ फैलाया जा रहा है, तो पता ही चला तहकीक करने पर ये पहली ही तदफीन की वीडियो थी जो पहली तदफीन में बनाई गई थी, और उसके बाद उसको ना निकाला गया ना दोबारा दफनाया गया, लेकिन उसी पहली तदफीन की वीडियो को दोबारा 12 साल बाद सर्कुलेट किया गया और नीचे लिख दिया गया कि सद्दाम हुसैन को दोबारा दफनाया जा रहा है, देखिए इसका चेहरा तरोताज़ा है। पहली वीडियो थी हालांकि वो तो आम सादा लो इंसान, वैसे तो हम बड़े चैंपियन, बड़े सुकरात, बड़े अरस्तु बंदे, मोबाइल ख़रीदने जाएं तो 10 मालूम होती है हमको, क्रिकेट का मैच हो उसके बारे में मालूम होती है, गाड़ी, प्रॉपर्टी, पॉलिटिकल लीडर्स, हर शख्स के बारे में पूरा प्रोफाइल हमारे पास मौजूद होता है, लेकिन दीन के मामले में हम फ़ौरन बेवकूफ़ बनने के लिए हम तैयार हो जाते हैं भारत। तो ये वही लोग होते हैं जो तीन और चार शाबान को शाबान की रात को धम्माल डाल रहे होते हैं, मिक्स गैदरिंग हो रही होती है और हुल्लड़बाजी हो रही होती है, और ये अंचोली में भी हुआ है और कराची के कई इलाकों में भी ऐसा जो है वो सुनने में आया। तो वो यही वो लोग हैं कि जहाँ जिसकी हवा चलती है लोग जो है वो उस तरफ चले जाते हैं और दीन और ईमान को बुला बैठते हैं। तो हुआ ये कि अहद बड़ा और बारिश नहीं हो रही थी, ईसाई राहिब को बुलाया गया, उसने हाथ उठा के दुआ की, बारिश हो गई। इस तरह कई मरतबा हुआ, एक दफ़ा फिर कैद पड़ा, उसी सही राहिब को बुलाया गया, अभी वो उठाने ही वाला था हाथ के, उसके हाथ में एक हड्डी मौजूद थी जो इमाम की निशानदही पर उससे ले ली गई, और इमाम ने कहा कि अब तुम दुआ करो। जब उसने दुआ की तो बारिश नहीं हुई, वो परेशान हो गए थे। इमाम ने बताया कि ये पैगंबर की हड्डी है जिस्म की, जिसके वसीले से, जिसकी विरासत से, जिसकी बरकत से बारिश होती थी। तो ये इमाम ही निशानदेही कर सकता है या फिर इमाम के बाद इमाम का नाइब उसकी निशानदेही कर सकता है, लेकिन चूंकि हम इमाम के नाइब की तकलीद करना गवारा नहीं करते और समझते हैं कि हम खुद से किताबों को पढ़कर, कुरान को पढ़कर समझ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए हम बेवकूफ़ बन जाते हैं। बहरहाल हुआ ये, इसका साइड इफ़ेक्ट ये हुआ कि लोगों ने ईसाइत की तरफ रुख करने के बजाय इस्लाम की तरफ रुख किया, मजाज के कि ईसाइत की तरफ जाते खुद ईसाई अफराद अब मुसलमान होने लगे, खसूसी तौर पे मज़हब तशय्यु में दाखिल होने लगे, खसूसी तौर पे इमाम की रहनुमाई जो है मैं अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। तो वज़रा ने बादशाह को ये कहा कि लग ये रहा है कि बारहवें का नंबर ही नहीं आएगा, ये ग्यारहवा ही तुम्हारा काम तमाम कर देगा। इतनी कसीर तादाद में इस ग्यारहवें इमाम के पीछे लोग चल पड़े हैं कि लगता है कि अनकरीब तुम्हारी हुकूमत का खात्मा होने वाला है, और मौजज़ात के अलामात तो इसके हाथ में हैं, अगर इसके पास चंद सौ अफराद भी हो तो वो काफ़ी होंगे तुम्हारी हुकूमत को ख़त्म करने के लिए। बादशाह ने यह सुना तो फ़ौरन कार्रवाई का जो है वो फैसला किया। अब मसला ये था, बादशाह के साथ जो परेशानी थी, जो इमाम की तारीख बताती है, आइम्मा के जद की, अजदाद की तारीख बताती है, तारीख वो ये बतलाती है कि इमाम को जब भी, जहाँ भी, जिस तरह भी कैद किया गया, वहाँ के दारोगा उन पर फरीफ्ता हो गए, वहाँ के दारोगा उनके चाहने वाले बन गए, और वहाँ के सिपाही जो हैं वो मज़हब तशय्यो में दाखिल हो गए। अब वो जो है सातवें इमाम हो गए, आठवें, नवें, दसवें, ग्यारहवें इमाम के दौर में भी यही वक्त आ गया।
तो उन्होंने चारों नाचार उनको कहीं नज़रबंद किया तो पता चला कि वहाँ के दारोगा जो हैं वो मुनकलिब हो गए और इमाम के साथ ही बन गए, इमाम के साथ इबादत कर रहे हैं, इमाम के साथ खा रहे हैं, इमाम के कसीदे गुनगुना रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि भाई इन सिपाहियों को तब्दील करो। उन्होंने दूसरे सिपाही लाकर मुकर्रर कर दिए, उनके साथ भी यही हुआ। अब बादशाह परेशान, अब क्या करें, कहेंगे इनको किसी ऐसी जगह, क्योंकि इस तरह तो इनकी तादाद बढ़ती चली जाएगी, हम सिपाही तब्दील करते रहेंगे और इनकी तादाद में इजाफा होता रहेगा। तो ऐसा किया जाए कि इनको अपने ही महल में किसी कोने में नज़रबंद कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे मौजूद गुलाम तो हमारे महल के अपने गुलाम होंगे, अगर मुनकलिब हुए तो भी पकड़े जाएंगे। अब तो मुनकलिब ही नहीं होंगे क्योंकि बादशाह के महल में मौजूद है, लेकिन वहाँ जब नज़रबंद किया तो वहाँ पर भी यही हुआ। तो यहाँ पर बादशाह को ज़्यादा ख़तरा महसूस हुआ कि अगर मैं जिंदान में किसी दूर जगह पर रखता हूँ तो वो मुझे अगर मारने भी आएगा तो इतने बैरियर्स उसको क्रॉस करने पड़ेंगे, लेकिन महल के अंदर मौजूद कैदखाने में जो गुलाम होंगे, जो इमाम की तरफ होंगे, वो तो गुस्से में आकर मेरा सोते में काम तमाम कर सकते हैं। तो उसको अपनी जान का ख़तरा हो गया इमाम को साथ रखने में। तो फिर आखिर तय यही पाया कि इमाम को अपने घर में नज़रबंद कर दिया जाएगा। लेकिन मसला फिर वही आ गया कि हम तो उस 12वें की पैदाइश से खौफजदा हैं, कहीं वो 12वां ना पैदा हो जाए। इमाम को अपने ख़ानदान में रखने का मतलब ये है कि उनकी जो औलाद है उसका एहतमाम करना। तो लेकिन फिर भी वो अपने पुराने दो हरबों का अंजाम देख चुके थे। तो फैसला ये किया कि ठीक है, इनको हम अपने घर में नज़रबंद कर देंगे, लेकिन उसकी सख्त निगरानी करेंगे कि जैसी बच्चा पैदा हो या उसके आसार उनमा हो, हमारे सिपाही वहाँ पहुँच जाएँ, बच्चे की माँ को भी मार दें और बच्चे को भी मार दें, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ। लेकिन वो खुदा ही क्या जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिफाजत करे, मूसा की जो है वो हिफाजत करे, लेकिन 12वें की हिफाजत ना करे, जो शर्क और गर्ब को अपने अदल से भर देगा। चलाचा इमाम को अपने घर में नज़रबंद किया गया और सख्त निगरानी की गई और वहाँ पे जो है पहरे बिठा दिए गए। और फिर आखिर में बादशाह ने मजबूर होके और सलाह मशवरे के बाद ये तय पाया कि इनको जहर दे दिया जाए, इनका ज़िंदा रहना ख़ुद बादशाह की बादशाहत के लिए ख़तरा है। शुरू में कोशिश की गई कितना कातिलाना हमला करके इनकी जो है वो ज़िंदगी का खात्मा कर दिया जाए। तो ज़ुबैर नाम का एक शख्स था जो इमाम को कत्ल करना चाहता था, लेकिन कहते हैं कि उसके कत्ल करने से पहले उसको किसी ने कत्ल कर दिया इमाम के चाहने वाले ने। और फिर कहते हैं किसी के हाथ में वो रुका भी लगा कि जिसमें लिखा हुआ था, इमाम ने लिखा था कि ये वो सज़ा है इमाम के दुश्मन की कि जिसने अल्लाह पर इमाम के वास्ते तोहमत इल्ज़ाम अफरापरदाजी की थी और इसको अपने किए की सज़ा मिल गई। उसके बाद मोतमद बिल्ला ने इमाम को अपने घर में नज़रबंद कर दिया और बिल आखिर उनको जहर दे दिया। जिस रात जहर दिया और जिस रात उनकी शहादत हुई, उस रात उसने बहुत सारे अतिब्बा यानी डॉक्टर्स हकीम को जमा कर लिया, बहुत सारे उलमा को जमा कर लिया, बहुत सारे ज़ुमा अमायदीन और वज़रा को जमा कर लिया। क्यों अतिब्बा को इसलिए जमा किया, हकीमों को या तबीबों को या डॉक्टर्स को, कि वो मेडिकल अप्रूवल दें या सर्टिफिकेट दें कि इमाम की डेथ जो है वो नेचुरल हुई है, नॉर्मल हुई है, रेगुलर एक फिनोमेना से तबीयी हुई है, किसी जहर की सबब नहीं हुई है जहर देने की वजह से। उलमा को इसलिए जमा किया कि उनकी बाद में वज़न होता है, लोग उन पर जो है वो एतबार करते हैं, अगर वो कह देंगे कि हाँ हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि इमाम अपनी तबी मौत मरे, तो लोग जो हैं वो, क्योंकि लोगों के दिल काफ़ी हद तक माइल हो चुके थे इस मौजज़े को, बारिश वाले मौजज़े को देखने के बाद। फिर ज़ुमा या अमायदीन या सरदारान या रऊसा या वज़रा को इसलिए जमा किया था क्योंकि वो एक हैबत होती है, अगर वो अपने अपने कबीले में ये बात फैला दें कि हाँ भाई हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, और जाहिर सी बात है उस उनको इस ना देखने या देखने के पैसे दिए गए थे हज़ारों लाखों दिनार कि आपने जो देखा है समझ लेंगे वो नहीं देखा, और जो हम दिखा रहे हैं समझ लेंगे वो देखा है। तो उसके उनको पैसे दिए गए थे ताकि अपने अपने इलाकों में ये ऐलान कर दें और आपकी वजह से आपके जितने भी मानने वाले हैं, आपके इत्तबा करने वाले हैं, वो आपके हम ख्याल हो जाए। चनाचा ये भी कर लिया गया। उसके साथ साथ नमाज जनाजा और मैयत कफन दफन के वक्त बादशाह के निगरान वहाँ छोड़ दिए गए कि अगर तदफीन के वक्त कोई औलाद जाहिर हो और ये दावा करे मैं उनकी औलाद हूँ तो उसको कत्ल कर देना। अच्छा हैरत की बात ये है कि बादशाह ने 260 हिजरी में इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को जहर दिया था, हालांकि इमाम ज़माना 5 साल पहले पैदा हो चुके थे, 255 हिजरी में पैदा हो चुके थे, और वो बड़े मज़े से जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर कोई औलाद हुई तो हम कत्ल कर देंगे, ऐसे उम्मीद तो नहीं कि कोई औलाद हो।
तो कहते हैं कि जो माल वहाँ पड़ा हुआ था, जाफर कज़्ज़ाब उनका जो चचा था इमाम ज़माना का, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के भाई जाफर कज़्ज़ाब, वहाँ पे जो है वो मौजूद था। उसका फिस्क व फजूर, फज्र जो है, फजूर जो है वो बहुत मारूफ था, और लोगों को जो है वो जो इमाम के चाहने वाले थे उनको मालूम था कि ये जो है इमाम नहीं है, लेकिन वो इमाम की मसनद में बैठा हुआ था। और जब मीरास तकसीम हुई तो उसने कहा कि भाई चूँकि इनकी औलाद नहीं है तो मीरास मुझको मिलेगी और इनकी वालिदा को मिलेगी। ये देख के उनके सिपाही और ज़्यादा मुतमईन हो गए कि भाई इनका तो चाहने वाला कोई है ही नहीं, कम अज़ कम मीरास के वक्त, जायदाद के वक्त तो मौजूद हो। तो कहते हैं कि सिपाही भी जो है वो यूँ कह लीजिए जिस तरह निगरान जो है वो सो जाता है बेफिक्र हो के, या इधर उधर हो जाता है वो रिलैक्स हो गए। तो जैसे ही सिपाही इधर उधर हुए, जाफर कज़्ज़ाब नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आगे बढ़ा, इमाम कहीं से वारिद हुए और जाफर कज़्ज़ाब का दामन पकड़ कर कहा कि आप इस काबिल नहीं कि नमाज जनाजा पढ़ाएं, और ख़ुद नमाज जनाजा पढ़ाई। अच्छा, इसका इशारा इमाम ने अपनी ज़िंदगी में दे दिया था, और अपने एक चाहने वाले कासिद जिसके ज़रिए से खतूत का और पैसों का तबादला हुआ करता था, अबुल अदियान, उसको ये कहा था कि देखो मेरे बाद जो शख्स इन खतूत को तलब करे। आपको मालूम है कि इमाम के पास खतूत आया करते थे जिसमें मसाइल हुआ करते थे, इमाम से पूछे गए सवालात हुआ करते थे, इमाम उसके जवाब दिया करते थे। तो जाहिर सी बात है इमाम के बाद उनका बेटा या आने वाला इमाम इन खतूत का ज़िम्मेदार होगा और वो सवालात के जवाब देगा। तो मेरे बाद जो इन खतूत को तलब करे, मेरे बाद जो मेरी नमाज जनाजा पढ़ाए, और मेरे बाद जो इस थैली को तलब करे जिसमें कि 1000 दीनार है, तो वो जो है तुम्हारा इमाम होगा, मेरा नायब होगा। तो कहते हैं कि अबुल अदियान जो है वो मैयत के पास बैठा रहा और ये इंतज़ार करता रहा कि कौन इन 3 निशानियों को पूरा करता है। अचानक एक शख्स या एक बच्चा नमूदार हुआ, उसने जो है वो नमाज जनाजा पढ़ाई, उसने जो है खतूत तलब किए और अबुल अदियान से कहा कि वो थैली कहाँ है कि जिसमें 1000 अशरफिया मौजूद हैं, जिसमें से फ़कत 10 के ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ है, ये भी बतला दिया। तो वो बहुत हैरान हुआ अबुल अदियान, और वो थैली और वो खतूत जो है वो आपके हवाले कर दिए। यानी जो चाहने वाले हैं, जो करीब तरीन लोग हैं, इमाम ने उसका इंतज़ाम कर दिया कि मेरे बाद इमाम कौन होगा, जो एक आम फ़र्द है उनको पता भी ना चला। तो ये एक पॉलिसी थी, ये एक इमाम का जो है मकर था, बादशाह के मकर के हवाले से, मकरू मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकरीन, तुम अल्लाह से मकर करो, अल्लाह तुमसे मकर करेगा, और अल्लाह मकर करने में सबसे ज़्यादा मकर करने वाला है। यानी तुम चाल चलो अपनी, अल्लाह अपनी चाल चलेगा, और अल्लाह चाल चलने में सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। तो हमने देखा 11वें इमाम के ज़माने में हालात व वाक़ियात कितने ज़्यादा जो है तनाव का शिकार थे। इमाम की मुखबरी हो रही थी, इमाम की निगरानी हो रही थी 11वें इमाम की, उनको जो है ज़िंदान में डाला गया, उनको क़ैद किया गया, उन्होंने अपने चाहने वालों को, मखसूस लोगों को निशानियाँ बता दी, और इमाम की विलादत भी हो गई, इमाम ने नमाज जनाजा भी पढ़ा दिया, और वो जो है चले भी गए और लोगों को पता भी नहीं चला। तो ये इमाम की विलादत के पहले गवाह यानी इमाम के वालिद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। अब आइए इमाम की विलादत की दूसरी बड़ी गवाह, ख़ुद इमाम की वालिदा जनाब बीबी नरजिस खातून। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले। बीबी नरजिस खातून या मलिका खातून इमाम की वालिदा, और इस हवाले से बहुत सारे नाम हमें तारीख़ की कुतुब में मिलते हैं। सबसे पहले नाम तो हमें मलिका मिलता है, और मलिका एक इसमें तस्गीर है यानी शॉर्ट फॉर्म है मलका की, मलका यानी बादशाह की बीवी, और मलिका यानी छोटी मलका या शहज़ादी। तो ये वो नाम था कि जो उनका असली नाम था जब वो अपने बाप या अपने घर वालों के साथ रोम में रहा करती थी, और उस ज़माने में ईसाई थी। उसके बाद जब वो कनीज़ बनकर इमाम तक पहुंची, भेस बदल कर कनीज़ी का, उस वक्त उन्होंने अपने अपनी शनाख्त को मख्फी रखने के लिए अपना नाम तब्दील किया और मलिका से नरजिस खातून कर दिया। तीसरा नाम हमें जो मिलता है इनकी वालिदा का, वो सीकल मिलता है, और कहते हैं वो इसलिए था सैकल या सीकल के जब वो हमल से थी तो उनका बदन जो है वो लोहे के सीकल ज़्यादा टुकड़े की तरह चमक रहा था, तो उनका बदन भी इस तरह चमक रहा था। उसके बाद इनका एक नाम रेहाना भी मिलता है, एक नाम सौसन भी मिलता है,
एक शान उम्त भी मिलता है और एक नाम खुद हकीमा भी मिलता है। हालांकि हकीमा जो है इमाम ज़माना की फूफी थी जो विलादत के वक्त मौजूद थी। तो ये सात नाम या इससे ज़्यादा नाम हमें मिलते हैं जो इमाम की वालिदा के हवाले से हैं। इनकी इमाम तक रसाई यानी इमाम तक पहुँचने का वाक़िया भी बहुत ही जिसे कहते हैं कि दिलचस्प है और मुख्तलिफ रिवायात के ज़रिए से हमारे तक पहुँचा है। अब बुशर बिन सुलेमान एक बर्दा फरोश इंसान था, शख्स था जिसका प्रोफेशन यही था कि वो कनीज़ें और ग़ुलाम ख़रीदता और फरोख्त करता था। इमाम ने एक दफ़ा उसके घर में अपने ग़ुलाम को भेजा और कहा कि उसको कहो कि मेरे पास है, मुझे उससे कुछ काम है। ये जो बशर बिन सुलेमान था वो इमाम का चाहने वाला था और इमाम के जद का भी चाहने वाला था और इमाम को पसंद करता था, इमाम की खिदमत में आता जाता रहता था। इमाम ने कहा कि आज हम तुम्हें एक और शर्फ बख्शने जा रहे हैं। और फिर ये कहा कि देखो पुले फरात पे जाना और वहाँ पर एक बर्दा फरोश अमर बिन यजीद बैठा हुआ है, कुछ कनीज़ों को लेकर बैठा होगा। वहाँ पे एक कनीज़ होगी दो हरीर के लिबास में पर्दे के पीछे और वो दुहाई दे रही होगी, हाय मेरा पर्दा, हाय मेरा पर्दा, और किसी के हाथ फरोख्त होने के लिए तैयार नहीं होगी। तुम ये ख़त उस कनीज़ को दे देना, जब वो कनीज़ ये ख़त पढ़ेगी तो ख़ुद ब खुद फरोख्त होने के लिए तुम्हारे हाथों तैयार हो जाएगी। और ये थैली ले लो, इस थैली में जितने भी दीनार हैं ये वही कीमत है जो तुम अपने दुकानदार से यानी उस बर्दा फरोश आमर बिन यजीद से तय करोगे। बिशर बिन सुलेमान जो है वो ले जाता है इमाम का ख़त और जो रूमी ज़मान में लिखा हुआ था और वो थैली जिसमें इमाम ने कनीज़ की कीमत रखी थी। इमाम ने ये भी हिदायत की थी कि देखो तुम दिन भर एक कोने में खड़े होकर दुकान के सामने जहाँ वो कनीज़ों को फरोख्त करेगा, ग़ुलामों को फरोख्त करेगा, पीछे बैठ के सिर्फ जो है वो तमाशा देखना, देखना कि वो क्या कर रहा है, लोगों को आता जाता देखना और दखल अंदाजी नहीं करना। लेकिन जब दिन गुजर जाए और वो दुकान बंद करने लगे और जाने लगे तब उसके पास जाके ये ख़त देना कि ये कनीज़ जो है मुझे चाहिए और ये ख़त उसको पढ़वा दो। चलो जब बशर बिन सुलेमान ने यही किया, वहाँ पे खड़ा रहा और जब दिन गुजर गया और उस दौरान वो देखता भी रहा कि बहुत से लोग गाहक आ रहे हैं, अरब शयूख आ रहे हैं और हुकूमत के कारिंदे आ रहे हैं और वो आके जो है वो कनीज़ को ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन कनीज़ किसी के हाथ फरोख्त होने के लिए तैयार भी नहीं। अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा कीमत लगाता तो वो गुस्से में ही कहती कि अगर तुम सुलेमान अलैहिस्सलाम की दौलत के बराबर भी पैसे ले आओ तो मैं कभी भी तुम्हारे हाथों फरोख नहीं होंगी। अब जो अमर बिन यजीद था उसका जो मालिक था वो बड़ा परेशान था कि भाई मैं क्या करूँ अगर ये कनीज़ नहीं बिकेगी और इसके ख़रीदार बहुत आ रहे हैं, पर्दे में बैठी है मुत्तकी परहेजगार लोगों को जो नज़र आ रही है, किसी के हाथ फरोख नहीं हो रही तो इसके दाम भी लोग ज़्यादा लगा रहे हैं, ये नहीं बिकेगी तो मेरा जो है वो नुकसान हो जाएगा मसलन। अब बशर बिन सुलेमान जब दिन ढलता है और लोग छट जाते हैं तो बशर बिन सुलेमान जो है वो अमर बिन यजीद की तरफ रुख करता है और उसके हाथ में वो ख़त जो रूमी ज़मान में लिखा हुआ होता है वो देता है और ये कहता है कि इस कनीज़ से को कहें कि ये ख़त पढ़ ले तो हो सकता है कि इस ख़त को पढ़ने के बाद वो मेरे हाथों फरोख्त होने के लिए तैयार हो जाए। अब उसको नहीं मालूम था कि क्या मामला है, वो शायद उसको झूठ समझा, लेकिन उसने कहा चलें आखिरी हरबा इख्तियार करने में क्या हर्ज है। उसने वो ख़त लिया और उस कनीज़ यानी जिसका नाम नरजिस था, उस ज़माने में लफ्ज़ नरजिस या नाम इसमें नरजिस तो बहुत मशहूर था कनीज़ बतौर कनीज़ नाम होने के हवाले से, तो वो दे दिया। जब उसने वो ख़त पढ़ा तो वो बड़ी खुश हुई, उस ख़त को अपनी आंखों से लगाया, उसको चूमा और ये कहा कि मैं इस शख्स के हाथों फरोख्त होना चाहती हूँ। हालांकि अभी उसने कीमत की बात ही नहीं की थी, वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कीमत जो है वो ज़्यादा लगाने की कोशिश की, यहाँ पर उसने कम करवाने की कोशिश की तो भावताव हुआ। अच्छा उसको मालूम भी नहीं था कि इस थैली में कितने पैसे हैं, कितने दीनार हैं, बस इमाम ने यह कहा था कि इस थैली में उस कनीज़ की कीमत मौजूद है। अब उसको डर ये भी था कि अगर ये ज़्यादा कीमत हुई और थैली में कम रकम हुई तो कनीज़ को मैं नहीं ख़रीद पाऊँगा, तो उसमें 12 दीनार मौजूद थे। तो भाव दाव हुआ तो 220 दीनार पर मामला तय हुआ। तो बशर बिन सुलेमान ने डरते डरते जो है वो थैली उसके हवाले की, उसने थैली खोली और दीनार गिने तो एग्जैक्टली बेन ही 220 दीनार निकले। तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला
अब कनीज जो है वो फरोख्त होने के लिए तैयार हो गई, और उसने ये भी कहा कि अगर तुमने मुझे इस शख्स के हाथों फरोख्त नहीं किया तो मैं ख़ुदकुशी कर लूँगी। वो और परेशान कि ये कनीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, लेकिन अच्छा है मैं इसे जान छुड़ाऊँ, रकम भी मुझे माकूल मिल गई है, चनाचा जो है मैं इसको फरोख्त कर देता हूँ। फरोख्त कर देता है वो बुशर बिन सलमान उसको लेके चलता है। तो रास्ते भर ये मुशाहिदा करता है, ये कनीज़ बार बार उस खत को निकालती, आँखों से लगाती और उसको चूमती, फिर निकालती और आँखों से लगाती और उसको चूमती। तीन चार मरतबा जब उसने ये देखा तो उसने कहा, ये कनीज़ तुझे क्या मालूम ये खत किसने लिखा है, ये शख्स कौन है और कौन तुझे जो है वो अपने पास अपनी मिल्कियत में ले रहा है, लेकिन फिर भी तू इस खत को चूम रही है, आँखों से लगा रही है। तो फिर कनीज़ ने अपनी असल रुदाद और अपनी असल हकीकत जो है बिशर बिन सलमान को सुनाई। कहने लगी कि मैं दरअसल कैसर रूम की के बेटे यशुआ की बेटी हूँ, यानी कैसर रूम जो है वो मेरा दादा है, और मेरी माँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी वसी शमऊन के हवारी की औलाद में से है, यानी ददियाल में से कैसर रूम से ताल्लुक़ रखती थी और ननियाल में से वो हवारी शमऊन और वसी ईसा अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ रखती थी। बहुत बड़ा ख़ानदान, बहुत अच्छी नस्बत है। कहेंगे जब मेरी उम्र 13 साल हुई तो बादशाह कैसर रूम ने अपने भतीजे से मेरी जो है वो शादी करना चाही, और ख़ानदान में एक फ़र्द था, और बहुत बड़ी तकरीब हुई। उस तकरीब में जो है राहिबों को, पादरियों को बुलाया गया, उलमा को बुलाया गया, रऊसाने कबाइल को बुलाया गया और उमरा को बुलाया गया, और बहुत बड़ा तख्त सजाया गया और 40 सीढ़ी ऊपर वो तख्त था और सलीबें लटकाई गईं। और बहुत बड़ी तकरीब जो जिसे कहते हैं ना कि बुलाई गई, हमारे यहाँ भी इंग्लैंड में क्वीन एलिजाबेथ का जो वो है प्रिंस, उसकी शादी हो रही है, जो कि चर्सी हीरोइन जी जिसके जिसको पकड़ा भी गया हीरोइन वगैरह पीते हुए, उसकी शादी के इतने जिसे कहते हैं कि चर्चे हैं कि ट्रंप को नहीं बुलाया गया, यानी ट्रंप की बेइज्जती हो गई कि ट्रंप को नहीं बुलाया गया मसलन। तो हमारा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उस ज़माने में कैसर रोम जो है कितना बड़ा बादशाह था। तो सलीबे लटकाई गई, तकरीब दूल्हा को जो है वो तख्त के ऊपर बिठाया गया। जैसी शादी की तकरीब शुरू होने लगी वैसे ही एक जलजला सा आया और तख्त नीचे गिर गया और दूल्हे मियाँ जो है वो औंधे मुंह गिर के बेहोश हो गए। तो जो वहाँ पे ईसाई पादरी बैठे हुए थे वो बड़े हैरान परेशान हुए और उन्होंने इस वाक़े को ईसाई मज़हब के जवाल का सबब समझा और उसको बदशगुनी जाना, और वो गुस्से में वहाँ से चले गए। बादशाह ये समझा कि शायद ये दूल्हा जो है वो मनहूस है, हमारे सलम दुल्हनों को मनहूस कहते हैं, तो ये दूल्हा ही मनहूस है तो इसको हम जो है वो रिप्लेस कर देते हैं। तो उसके बजाय उसके भाई को दूल्हा बनाया गया दूसरे दिन, और फिर उसी तरह तकरीब उसी तरह, क्योंकि बादशाह की इज्जत पर आ गई थी बात कि लोग ये ताने देने ना शुरू कर दें कि बादशाह ही मनहूस है या ईसाई मज़हब ही जो है वो गलत है। तो उसी तरह तख्त लगाया गया, सलीबें लटकाई गईं और तख्त के ऊपर जो है वो उस दूल्हे के भाई को इस दफ़ा बिठाया गया। जैसे ही तकरीब शुरू होने वाली थी वैसे ही जलजला आया, उसी तरह सलीबें टूटी और दूल्हे मियाँ औंधे मुंह गिर के बेहोश। इस दफ़ा जो है ईसाई राहिब जो है वो पैर पटकते हुए चले गए कि अब हम आइंदा इस तकरीब में नहीं आएंगे, ये तकरीब मनहूस है, ये शादी मनहूस है और ये दीन मसीहत की जो है वो जवाल की निशानी है। कहते हैं कि मलिका खातून जो है उस रात उन्होंने ख्वाब देखा और ख्वाब में ये देखा कि रसूल अकरम उनके अल्लाहुम्मा सल्ली अला उनके वसी हज़रत अली और दीगर आइम्मा और दीगर अफराद आए हुए हैं, इस तरह बारात आती है, और दूसरी तरफ जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके वसी जनाब शमऊन और उनके हवारी आए हुए हैं, और दोनों अफराद एक दूसरे के सामने जैसे दूल्हा दुल्हन वाले बैठते हैं। रसूलुल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं अपने बेटे इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की ख्वास्तगारी तुम्हारी बेटी मलिका खातून के लिए करता हूँ। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने शमऊन अलैहिस्सलाम से पूछा है, वो भी बखुशी इस पर राज़ी होकर उनका हम तैयार हैं। तो रसूलुल्लाह ने उस वक्त बाकायदा निकाह पढ़ाया और ख्वाब में ही निकाह हुआ। जैसे उनकी आँख खुली तो वो बड़ी परेशान हुई कि ये कैसा ख्वाब था और क्या था, लेकिन कहते हैं कि उसी दिन से इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत उनके दिल में जागुजी हो गई और वो बड़ी परेशान रहने लगी कि ये क्या हुआ और मैं कौन हूँ, मुझे अब कहाँ जाना है, मेरा आइंदा आने वाला जो दौरे हयात है वो कैसा होगा। लेकिन कहते हैं कि वो जहरी बात है, आदमी जब किसी मुलझन परेशानी में मुब्तला हो या किसी के इंतज़ार में हो या किसी
चीज़ के का मुंतजर हो तो वो परेशान हो जाता है, तो बीमार पड़ गई और बड़े अतिबा बुलाए गए, डॉक्टर हकीमों को तलब किया गया, लेकिन उनकी बीमारी जो है वो ठीक होने में नहीं आती। तो बादशाह ने उनसे एक दफ़ा पूछा कि तुम क्या चाहती हो, क्या समझती हो कि अगर वो काम किया जाए कि जिससे तुम्हारे दिल को सुकून मिले, जहनी दबाव में तनाव में जो है वो कमी हो। तो उन्होंने कहा कि आपने कुछ मुसलमान कैदियों को कैद करके रखा हुआ है, अब उनको रिहा कर दें तो शायद मेरी तबीयत समझ जाए। अच्छा, आपने देखा भी होगा खुशी के मौके पर बादशाह जो है वो कैदियों को रिहा कर देते हैं या सजाएं माफ़ कर देते हैं, पाकिस्तान में बल्कि हर जगह ऐसा होता है। तो बादशाह ने जो है वो कहा कि ठीक है, उन्होंने जो है बादशाह ने जो है मुसलमान कैदियों को रिहा कर दिया। तो बादशाह ने देखा कि उस दिन से मलिका की तबीयत ठीक हो गई और वो दिन ब दिन सेहतमंद होती चली गई, उसका खाने पीने का भी दिल चाहने लगा। बादशाह ने फिर दोबारा उन कैदियों को बुलाया और उनको मेहमानों की तरह जो है वो उनसे सलूक किया जाने लगा। उसके बाद 14वें दिन मलिका खातून ने बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैह को बीबी मरियम के साथ ख्वाब में देखा और उनको ख्वाब में देखते ही वो रोने लगी और ये कहा कि मुझे अब अब्दुल्ला यानी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नहीं हो रही और मैं उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहे। तो बीबी सैयदा ने कहा कि ये उस वक्त तक मामला रहेगा, यानी तुम नहीं मिल सकोगी जब तक तुम कलमा पढ़कर मुसलमान नहीं हो जाती। तो बीबी ने वो तैयार हो गई, तो बीबी ने उनको कलमा पढ़वाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, कि मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद उनके उसके रसूल हैं। फिर कहते हैं कि बीबी सैयदा जो कि बीबी मरियम और 1000 हूरानी जन्नत के साथ तशरीफ़ लाई थी, कहा कि अब तुम्हें जो है वो हमारे बेटे इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो जाएगी। फिर कहते हैं कि उन्होंने दूसरे दिन इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की और उसके बाद कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि वो ख़ाम में इमाम हसन की ज़ियारत नहीं करती थी। एक दफ़ा उन्होंने ये कहा कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, क्या तरीका है कि मैं आप तक पहुँच जाऊँ। तो इमाम ने उसको कहा कि देखो, तुम्हारा बाप तुम्हारा दादा जो है किसी मुसलमान मुल्क पर हमला करने जा रहा है, तो तुम कनीजी के भेस में उसके लश्कर के साथ चल पड़ो, तुम इस तरह हमारे पास पहुँच जाओगी और पुल फरात पर जब पहुँचो तो हमारा भेजा हुआ नुमाइंदा बुशर बिन सलेमान तुम्हें एक रोमी ज़बान में ख़त देगा, बस उसके साथ तुम हमारे पास आ जाना। तो ये कहते हैं कनीजी की भेस में उसने अपना नाम नरजिस रखा और जो है वो लश्कर के साथ रवाना हो गई। इस लश्कर का जो है वो टकराव मुसलमान लश्कर के साथ हुआ और मुसलमान लश्कर ने इन कनीज़ों को जो है वो पकड़ लिया और अपने साथ ले गए। उसमें ये कनीज़ बीबी नरजिस बीबी मलिका खातून भी मौजूद थी और फिर उसके बाद बुशर बिन सलेमान ने आपको ख़रीद किया, इमाम के हवाले कर दिया। कहते हैं कि जब इमाम किसके पास आई है, इमाम नकी अलैहिस्सलाम के पास, यानी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के वालिद इमाम नकी अलैहिस्सलाम के पास। जब उनके पास आई तो उन्होंने कहा कि तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे पास दो इख्तियार हैं, किस चीज़ को कुन इन दो चीज़ों को इख्तियार कर सकती हो। उन्होंने कहा एक तो ये कि तुम 10,000 दीनार ले लो, यानी आज़ाद हो जाओ, आज़ादाना ज़िंदगी गुजारो, ये 10,000 दीनार तुम्हारे, और एक ये है कि तुम शर्फ़ मोहब्बत इख्तियार कर लो, यानी हमेशा का शर्फ। तो उन्होंने कहा कि मैं हमेशा का शर्फ इख्तियार करना चाहती हूँ, आर्जी ज़िंदगी या आर्जी खुशहाली नहीं। इमाम ने कहा कि तुम्हारी शादी उस शख्स से होगी कि जिससे होने वाला बच्चा इस दुनिया को शख्स लेके गर्भ तक अपने अंदर से भर देगा। तो उन्होंने कहा कि ये कौन साहब है, यानी कौन शख्स है जिससे मेरी शादी होगी, यानी जिसकी वजह से मुझे इतना बड़ा शर्फ मिलेगा कि मैं उस बच्चे की माँ बनूँ कि जो पूरी दुनिया पे हुक्मरानी करेगा। तो इमाम नकी अलैहिस्सलाम ने कहा ये वही शख्स है जिसको तुमने ख्वाब में देखा था और जिसका निकाह जो है वो रसूलुल्लाह ने तुम्हारे साथ पढ़ाया था। आपकी शादी फिर इमाम हसन अस्करी से हो जाती है और फिर इमाम ज़माना की विलादत होती है। इमाम जनाब मलिका खातून के बारे में हमें बहुत ज़्यादा तफसीलात नहीं मिलती क्योंकि जैसे जैसे वो आती हैं और शादी होती है, फिर इमाम की विलादत होती है, 5 साल के अंदर अंदर उनका इंतकाल हो जाता है। और उसकी भी वजह क्या थी कि जब विलादत इमाम ज़माना हुई तो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने जो उनके शौहर थे उनको ये कहा कि मेरी मौत के बाद, मेरी शहादत के बाद मेरे घर वालों पे बहुत ज़्यादा जुल्म सितम ढाई जाएंगे
और वही इमाम ज़माना के हवाले से मेरे चाहने वालों पर और मेरे ख़ानदान वालों पर। तो जनाब सीकल या जनाब नरजीस या जनीम जनाब मलिका खातून ने उनसे ये कहा था कि आप दुआ करें कि आपके इंतकाल से पहले मेरा इंतकाल हो जाए, यानी आपके मौत से पहले मेरी मौत वाकई हो जाए। और कहते हैं ऐसे ही हुआ कि इमाम हसन की मौत से पहले उनकी जो है एक रवायत मिलता है उनकी मौत वाकई हो गई। बहरहाल आपकी जो है वो मौत से पहले इमाम की विलादत होती है। अब हम चलते हैं बीबी हकीमा खातून के हवाले से जो कि इस विलादत की चश्मदीद गवाह थी, क्योंकि हम इमाम की विलादत और उसके हवाले से उठने वाले इश्कालात इबहाम को आज अपना मौजू बनाने जा रहे हैं। एक दुरूद पढ़ दें मोहम्मद वाले बीबी हकीमा खातून इमाम ज़माना की पुपी यानी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की बहन को ग़ुलाम के ज़रिए उनके घर से बुलवाया गया 15 शाबान को, और यानी 15 शाबान की रात से पहले, और उनको कहा गया बहन आज आप इफ्तार हमारे यहाँ कीजिएगा। उन्होंने कहा खैरियत? उन्होंने कहा कि आज हमारे यहाँ विलादत होने वाली है हमारे फर्जंद की, और ये वो फर्जंद है कि जो दुनिया को शर्क से लेकर गर्ब तक अदल से भर देगा जैसे वो जुल्म से भरी हुई होगी। तो इमाम ने फिर इस्तफसार किया, पूछा कि भाई कौन है कनीज़ या कौन तुम्हारी जौजा है जिसके बतन से ये होगा? तो इमाम ने बताया जनाब सीकल। तो उसी वक्त वो अंदर आई और जो है जनाब हकीमा खातून के मोज़े उतारने लगी और उनको सैयदा कह के मुखातिब किया कि आप मेरी सरदार हैं और मैं आप पे क़ुरबान। तो बीबी हकीमा ने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ जो है वो इज़्ज़त अफजाई से पेश आना चाहिए और मुझे तुम्हारा इकराम करना चाहिए, और मेरी जान तो क्या इस पूरी दुनिया के इंसानों की जान तुम पे क़ुरबान हो, क्योंकि तुम्हारा बेटा जो है इस दुनिया पे हुकूमत करेगा और इसको अदल से भर देगा। तो वो जो है शर्मा जाती हैं और कहते हैं कि बीबी हकीमा खातून को बीबी नरजिस के कोई आसार हमल नज़र नहीं आए। तो उन्होंने पूछा इमाम से, उन्होंने कहा कि आप फिक्र ना करें, इनके आसार हमल मादरे मूसा जैसे हैं, और जिस तरह उनके आसार हमल ज़ाया नहीं हुए क्योंकि बादशाह उनके कत्ल के दर पे था, इनके आसार हमल भी ज़ाहिर नहीं होंगे। वो शब आती है यानी जिस शब वो इफ्तार करती हैं वो सो जाती हैं और बीच रात में जो है वो बेदार होती हैं। तो नमाज शब पढ़ती हैं, इस दौरान नमाज उनके नमाज शब पढ़ने के बाद वो देखिए जनाब सीकल भी बेदार होती हैं और वो भी नमाज शब पढ़ती हैं। तो उनके दिल में एक शक सा आता है कि वो तो कह रहे थे कि आज शब विलादत है और आज शब विलादत में अब चंद लम्हात या चंद घंटे रह गए हैं, फजर होने वाली हैं, नमाज शब हमने पढ़ ली है और मुझे आसार हमल नज़र नहीं आ रहे। तो दूसरे कमरे से इमाम आवाज़ देते हैं और ये कहते हैं कि बहन आप शक ना कीजिए, अल्लाह की हुज्जत जाहिर होके रहेगी। तो फिर वो शर्मिंदा होती हैं, अपना शक रफा करती हैं और सूरह यासीन और सूरह हामिम सजदा की जो है वो तिलावत शुरू कर देती हैं। इस दौरान बीबी सीकल जो है वो बेदार होती हैं, वो भी नमाज शब पढ़ती हैं। नमाज शब पढ़ने के बाद वो घबराई हुई आपके पास आती हैं और अपनी गोद पे उनकी गोद पे अपना सर रख देती हैं कि मुझे कुछ हो रहा है। कहते हैं उसी वक्त अंधेरा जाता है, बीबी हकीमा खातून और बीबी नरजिस खातून के दरमियान एक पर्दा सा हाइल हो जाता है और गालिबन बीबी हकीमा खातून के बारे में तो बेहोश हो जाती हैं। जैसी होश में आती हैं तो देखती हैं पर्दे के पीछे बच्चा मौजूद है। तो वो अल्लाहुम्मा सल्ली अला वो घबराई भी होती हैं। तो इमाम उनसे कहते हैं कि आप घबराए मत बल्कि सूरह कदर की जो है जो तलावत करें। तो वो जो है सूरह कदर की तलावत करना शुरू करती हैं। उसके बाद अंदर जाती हैं, बच्चे को उठाती हैं तो कहते हैं कि बच्चा जो है वो सजदे में होता है और जब सजदे से सर उठाता है तो उस वहाँ पे मारिया और नसीम नाम की दो कनीज़ें भी होती हैं जो बतलाती हैं कि जब बच्चे ने सर उठाया तो उसको छींक आई, और चीख जब आई तो उसने दोनों उंगलियों को आसमान की तरफ इशारा करके उठाया और कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिही, कि अल्लाह ताला का शुक्र है जो तमाम आलमीन का रब है और दुरूद हो मोहम्मद और उनके आल पर। और फिर इमाम फरमाते हैं ज़अमतुल ज़ुल्मा अन्ना हुज्जतुल्लाह दाहिज़तन
कि क्या जालिमों ने ये जाम कर लिया है कि वो अल्लाह की हुज्जत को तबाह व बर्बाद कर देंगे। लो ओजना लना, अगर मुझे इस फिल कलाम, लो ओजना लना फिल कलाम, अगर मुझे कलाम का जो है वो इज़्न होता या उसकी इजाज़त होती, लजाल शक, तो मैं उनकी शक को दूर कर देता। फिर इमाम जो है उनको अपनी गोद में लेते हैं, उनके सीधे हाथ पर इमाम देखते हैं कि सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 81 लिखी भी होती है, जाउ अल-हक व ज़हक़ अल-बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, कि हक आ गया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने के लिए है। उसके बाद इमाम कहते हैं कि इसको अपनी माँ के पास दोबारा ले जाओ ताकि वो उनको सलाम करें। इमाम को दोबारा ले जाया जाता है, वो अपनी माँ को दोबारा सलाम करते हैं। फिर इमाम दोबारा तलब करते हैं कि इसको मेरे पास दोबारा लाओ, इमाम के पास दोबारा लाया जाता है। इमाम के पास जब दोबारा लाते हैं तो इमाम अपनी ज़बान मुबारक को इमाम ज़माना के दाहने मुबारक में देते हैं और वो उसको चूसते हैं जैसे दूध और शहद जैसे पिया जाता है, ऐसा लग रहा था। तो इमाम जो है उनसे कहते हैं कि कलाम करो, और इमाम जो है वो अपना हाथ उनके जोड़ों पर रखते हैं और उनसे कहते हैं कि ए फर्जंद कलाम करो। तो वो कलाम करते हैं और गवाही देते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व अन्ना अलीयन अमीरुल मुमिनीन वलीउल्लाह, कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद उसके रसूल हैं और अली जो है अमीरुल मुमिनीन और वली अल्लाह हैं। फिर कहते हैं कि उनसे कहते हैं इमाम के मुझे जो है पिछले अंबिया के कलाम सुनाओ। तो वो आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, शीस अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सहुफ सहीफे जो उन पर उतर चुके थे वो सुनाते हैं। उसके बाद तौरात, ज़बूर, इंजील कलाम सुनाते हैं। उसके बाद कलाम मजीद, कुरान मजीद की आयत सूरह कसस आयत नंबर 4 सुनाते हैं कि वनुरीदु अन्नमुन्ना अलल्लज़ीन इस्तुदिअफू फिल अर्ध मनजअलहुम आइमतौ मनजअलहुमुल वारिसीन, के वनुरीदु अन्नमुन्ना अलल्लज़ीन इस्तुदिअफू, के हम तो चाहते हैं कि जिन लोगों को ज़मीन में कमज़ोर बनाया गया उन पर हमें एहसान करें। मनजअलहुम आइमतौ, और उनको हम इमाम बनाएँ। मनजअलहुमुल वारिसीन, और उनको हम दुनिया का वारिस बनाएँ। फिर उन्होंने जो है वो आयत पढ़ी। फिर जो है इमाम बीबी हकीमा खातन को कहते हैं कि आप इनको ले जाएं और इनकी माँ को दे दें, और अब आप सातवें दिन आइएगा। तो वो बेटे की यानी अपने भतीजे की मोहब्बत में दूसरे दिन आ जाती हैं कि सलाम करने, तो पता चलता है कि इमाम तो मौजूद नहीं है। तो कहती हैं कि वो कहाँ है बच्चा? तो उन्होंने कहा कि उसको मैंने उसके सुपुर्द कर दिया, कि जिसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने सुपुर्द किया था, जिसके सुपुर्द यानी खुदा के सुपुर्द कर दिया। वो बहुत परेशान होते हैं कि ये कहाँ गया बच्चा। खैर सातवें दिन जब आती हैं तो देखती हैं कि बच्चा अपने पैरों पे चल रहा है। तो इमाम से पूछती हैं कि ये क्या है, ये कौन सा बच्चा? ये वही बच्चा है जो एक हफ्ते पहले पैदा हुआ था। तो इमाम ने कहा कि हमारे यहाँ बच्चे की परवरिश, बच्चे की नशोनुमा एक दिन में ऐसे होती है जैसे एक हफ्ते में दूसरों की, या एक हफ्ते में ऐसी होती है जैसे एक साल में दूसरे की। इसलिए हमारा जो इमाम है या हमारा जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा परवरिश करता है। कहते हैं कि फिर उसके बाद 40 दिन तक आसमान से एक परिंदा आता और बच्चे को उठा के ऊपर ले जाता और फिर जो है वो वापस छोड़ जाता। तो बीबी हकीमा खातून ने पूछा भी था ये कौन है, तो उन्होंने कहा जिब्रील अमीन है, और इनके साथ जो है दीगर परिंदे हैं, ये फरिश्ते हैं, और ये इमाम की नुसरत के लिए हैं। जब इमाम ज़हूर करेंगे तो ये उनकी नुसरत करेंगे। तो एक दफ़ा ये भी मिलता है कि जब वो परिंदा इमाम ज़माना को लेकर जा रहा था तो बीबी नर्जिस खातून रोने लगी कि बच्चे को कहाँ लेके जा रहा है। तो इमाम ने कहा तुम फिक्र न करो, ये मादरे मूसा की तरह किसी और का दूध नहीं पिएगा, और तुम्हारे दूध के अलावा तमाम बच्चों का, तमाम माओं का दूध जो है वो इसके लिए हराम है। और फिर उन्होंने सूरह कसस आयत नंबर 13 भी सुनाई कि फरदत ना हो इला उम्मे ही के तकर्रा ऐन हो ला तहज़न, के हमने फरदत ना हो इला उम्मे ही, हमने उसको यानी उस बच्चे को उसकी माँ के हवाले कर दिया वापस। क्यों कर दिया? क्या तकर्रा ऐन हो, ताकि उसकी आंखों को ठंडक मिले, ला तहज़न, चुनाचा गम ना करो। और फिर यही हुआ कि बच्चा जो है वो वापस आया। तीसरे दिन इमाम जो है वो गए अपने असहाब के पास और बच्चे का तारुफ करवाया, और ये कहा कि यही वो बच्चा है जिसकी नुसरत के लिए लोगों की गर्दनें उठेंगी,
यानी लोग उसका साथ देने के लिए उठेंगे, और यही वो बच्चा है जो मेरा नायब होगा, जो मेरा मेरे बाद इमाम होगा, और यही वो बच्चा है जो दुनिया को शर्क से लेकर गर्ब तक अदल इंसाफ से इस तरह भर देगा कि जिस तरह वो जुल्म जौर से भरी हुई होगी। फिर ये कहते हैं कि इमाम ने साथ में देना, बच्चे का जो है वो अकीका किया, और अकीके में 10,000 रतल रोटी और 10,000 रतल गोश्त का एहतमाम किया, लेकिन ये अकीका या ये खाना जो है लोगों को बुलाकर नहीं खिलाया बल्कि लोगों के घरों तक पहुंचाया, और उसमें बनी हाशिम के लोग पेश थे ज़्यादातर, अपने ख़ानदान वाले और चंद अपने बहुत ही खासुल खास अफराद, कनीज गुलाम या बहुत ही खास अफराद जैसे बुशर बिन सुलेमान वगैरह। तो अच्छा, ये बात भी अपनी जगह मद्दनज़र रखनी चाहिए कि 10,000 रोटियाँ और 10,000 रतल रोटियाँ 10,000 रतल गोश्त बहुत कसीर मकदार हुआ करती हैं लोगों को खिलाने के लिए। तो इसका मतलब है कि ख़ानदान में किसी शख्स को भी नहीं छोड़ा होगा कि जिसको पता ना चले, या अपने जाने वालों में किसी को भी नहीं छोड़ा होगा कि पता उसको पता ना चले, हर शख्स तक ये बात पहुँचाई, लेकिन जो हुकूमती लोग थे, दुश्मन थे, आम अफराद थे, उन तक यह खबर नहीं पहुँचने दी और लोगों को नहीं पता चला। तो अपने लोगों को बहुत ज़्यादा तादाद में पता चल गया और गैरों को बिल्कुल भी नहीं पता चला, और अभी भी यही हाल है कि जिनको मालूम है वो इमाम पे बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं, जिनको नहीं मालूम वो इमाम के बारे में कुछ भी नहीं जानते या उनकी जो है बिल्कुल उनको मालूम नहीं है। الله جل جل يا صاحب السماء